हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एगलेस वनीला फ्रूट केक। ये विदाउट एग है। जी हाँ, कम्प्लीटली विदाउट एग। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। तो यहाँ पर ले लिया है एक मिक्सिंग बोल और उसमें ऐड कर रहे हैं मैदा। ये 2 कप मैदा है। आप जिस भी कप से ऐड करेंगे उसी कप के अकॉर्डिंग बाकी सारे भी इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ करेंगे, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, जो कि केक को बेक करने में हेल्प करता है, और उसके साथ ही 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा मैं ऐड कर रही हूँ, जो कि हमारे बेकिंग पाउडर को एक्टिवेट करेगा। अब एक स्पैचुला की हेल्प से इन सारे मटेरियल्स को मिक्स कर लीजिए और इसे कम से कम 1 मिनट तक मिक्स करना है। आप भी सोच रहे होंगे क्यों? दोस्तों, ऐसा करने से इसमें एरिएशन क्रिएट होता है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसे ज़रूर फॉलो करें। यहाँ पर एक दूसरा बोल मैंने ले लिया है और इसमें मैंने लिया है 1 कप मिल्क पाउडर और 1 कप रिफाइंड शुगर। ये जो हमारी पिसी हुई चीनी है, इसको हमें थोड़ा दरदरा लेना है। केक की यही स्पेशलिटी होती है कि अगर आप दरदरी चीनी यूज़ करते हैं तो केक अच्छा बेक होता है। साथ में मैं ले रही हूँ ओलिव ऑयल। दोस्तों, कुकिंग ऑयल जब भी केक में यूज़ होता है तो उसे आप अच्छी क्वालिटी का ऑयल यूज़ करें, या तो फिर मैं प्रीफर करती हूँ ओलिव ऑयल या फिर कैनोला ऑयल। तो मैंने ऐड कर दिया है 1 कप ऑयल, और कोई भी ऑयल अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके केक की स्मेल ख़राब हो सकती है और फिर वो उतना टेस्टी नहीं बनेगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमें कोई भी अच्छे ब्रांड का ऑयल यूज़ करना है। यहाँ पर दोस्तों, मैं 1 कप दूध ले रही हूँ और इसे मैंने अलग रख दिया है। ये बीच में हमें मिक्सिंग में हेल्प करेगा। तो अब इस सब इन्ग्रीडियंट्स को हमने मिक्स कर लिया है, और साथ में हम अपना पुराना जो चीज़ें ऐड कर रहे हैं, जिसमें मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा है, वो वाला मटेरियल भी इसमें हम ऐड करते जाएंगे। तो इन स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करना है, यानी कि जैसे आप 1 चम्मच सूखा इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं और अपने वेट इंग्रेडिएंट में मिला रहे हैं, अगर इसको ड्राई हो जाता है ये सब, तो साथ में हम थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएंगे और इस तरह हम इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करेंगे। स्पैचुला की हेल्प से हमें इन तीनों चीज़ों को मिक्स करना है। और दोस्तों, केक बनाने में थोड़े पेशेंस की ज़रूरत होती है। अगर आप पेशेंस से बनाएंगे, टाइम देंगे, सारी स्टेप्स को फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली केक कभी ख़राब नहीं होगा, हमेशा आपका केक अच्छा बेक होगा। तो यहाँ पर मैंने ये सब मिला के फेंट लिया है। अभी थोड़ा सा और बाकी है, तो मैं इसको भी स्लोली स्लोली मिक्स कर रही हूँ। 2 मटेरियल जब मिक्स किए जाते हैं तो कोशिश की जाती है कि उसमें लम्प्स ना पड़े, इसीलिए हम उनको धीरे धीरे करके ऐड करते हैं। अदरवाइज़ अगर हम एक साथ ऐड कर देंगे तो हमारे पूरे बटर में लम्प्स आ जाएंगे और फिर केक अच्छा नहीं बेक होगा। तो इस स्टेप को आप अच्छे से फॉलो करें। यहाँ पर देखिए, मैं इन सब को ऐड कर रही हूँ और जहाँ जहाँ मुझे ड्राई लग रहा है मैं थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करती जा रही हूँ, ताकि उसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट हो जाए। तो दोस्तों, ये एगलेस केक है, और बहुत सारे लोग एग खाना पसंद नहीं करते, इस वजह से वो केक भी नहीं खा पाते हैं। तो इसीलिए आज हमने एगलेस केक यहाँ पर बनाया है, ताकि उन सब की डिमांड पूरी हो सके। काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि मैं एगलेस केक की रेसिपी यहाँ पर शेयर करूँ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैं इसको किस तरह से मिक्स कर रही हूँ, ये आपको देखना है। लास्ट का मैदा भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। जब भी हम बैटर को फेंटते हैं या मिक्सिंग करते हैं तो उसका प्रोसेस दूसरा होता है। उसे बताने से पहले मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून मेल्टेड बटर ऐड कर दिया है। बटर की अरोमा इसमें बहुत अच्छी आती है। ये देखिए फ्रेंड्स, कट एंड फोल्ड मेथड से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग में हमें विशेष ध्यान रखना है कि हमको कट एंड फोल्ड मेथड ही यूज़ करना है। एक तरफ से हम कट करेंगे और बैटर को फोल्ड कर देंगे। अगर हम इस प्रोसेस को नहीं यूज़ करेंगे तो इसमें फिर एडिशन क्रिएट नहीं होगा।
तो इस पर आपको ध्यान देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा दूध बच गया है, तो इस दूध को हम हटा देते हैं। 1/4 कप दूध था, 1/4 से भी कम ही बचा है। यहाँ पर मैं सिनेमन पाउडर यूज़ कर रही हूँ, ये सिर्फ हमें 2 चुटकी यूज़ करना है, क्योंकि सिनेमन पाउडर की जो स्मेल होती है वो थोड़ी पंजेंट होती है, इसलिए बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी यहाँ पर हमने यूज़ की है। तो फिर हमने इन्हें मिक्स कर लिया, और साथ ही में मैं 1/2 टीस्पून इसमें विनेगर ऐड कर रही हूँ। ये सिंथेटिक विनेगर है, वाइट वाला, वही जो हम चाइनीज़ रेसिपीज़ में यूज़ करते हैं। और फिर कट एंड फोल्ड मेथड से इन सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो बैटर है, अभी हमें इसमें वनीला एसेंस मिलाना है, क्योंकि ये वनीला फ्रूट केक है, तो ये हमने वनीला एसेंस इसमें ऐड कर दिया। 1 टीस्पून भर के हमने ऐड किया है, और फिर कट एंड फोल्ड प्रोसेस से इसको हम मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, केक बनाने में जो भी मेहनत होती है वो इसका बैटर बनाने में होती है। इसकी बैटर को काफ़ी देर तक फेंटना होता है, तभी ये फ्लफ़ी होता है। मैं आपको चेक करा देती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी, और आप देख रहे हैं ना, इसी तरह का आपको तैयार करना है। अगर थोड़े से पेशेंस के साथ सभी काम किए जाएं तो हमारा केक कभी ख़राब नहीं होता है। यहाँ पर एक केक टिन लिया है मैंने, इसको मैंने ऑयल लगा के ग्रीस कर लिया है, और साथ में मैं इस पर ड्राई मैदा डस्ट कर रही हूँ, इसको भी मैंने चारों तरफ लगा लिया है। और अब अपने बने हुए बैटर में मैं ये टूटी फ्रूटी ऐड कर रही हूँ। ये वही टूटी फ्रूटी है जो मैंने तरबूज के छिलकों से बनाना आपको बताया था, आई पिन पर आप इसे देख सकते हैं। अब इसे थोड़ा सा टैप कर देंगे। ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और ऊपर से थोड़ी सी और टूटी फ्रूटी मैंने लगा दी, वो तो कंपलसरी है लगाना, तभी हमारा केक देखने में खूबसूरत लगेगा। अब ये रेडी हो चुका है, तो अब मैं इसे बेक करने जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने इसको एक लो रैक पर रख दिया है। 35 मिनट मैंने इसे बेक किया 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। हमारा केक रेडी हो चुका है, और थोड़ी देर इसको ठंडा करने के बाद हम एक नाइफ़ की हेल्प से इसको डीमोल्ड करेंगे। बहुत ही सावधानी से इसको डीमोल्ड करना है। अभी ये थोड़ा थोड़ा गर्म और थोड़ा थोड़ा ठंडा है, बीच की स्टेज में है, तो एक प्लेट से इसको कवर किया, फ्लिप किया, और हल्के हाथ से इसको पैटिंग करके हम इस केक को निकाल लेंगे, बिल्कुल सावधानी से, क्योंकि ये गर्म है तो टूट सकता है और आपके केक की शेप ख़राब हो सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। दोबारा से एक प्लेट रखकर इसको फ्लिप कर लेंगे, और देखिए हमारा खूबसूरत सा वनीला फ्रूट केक रेडी है। तो कैसा लग रहा है मेरा ये केक, आपको मुझे बताइएगा ज़रूर। तो दोस्तों, आइए मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ। इसकी अपर क्रस्ट थोड़ी सी क्रिस्पी है, अगर आपको कम क्रिस्पी चाहिए तो आप अपना जो टाइम सेट करते हैं उसको कम पे लगा दीजिए माइक्रोवेव में। और ये मैंने इसका एक पीस कट कर लिया है, तो देखिए दोस्तों कितना फ्लफ़ी, कितना यम्मी केक बनकर तैयार हुआ है। मैं आपको दोनों साइड से दिखा देती हूँ, और जितना खूबसूरत है उतना ही खाने में भी अच्छा है। यह हर तरफ से बेक हो चुका है, तो इसी तरह आपको केक बनाना है इन सारी स्टेप्स को फॉलो करके। मैं आपको चेक करा देती हूँ ये कितना फ्लफ़ी है, एकदम स्पॉन्जी केक है। तो अब बाज़ार से आपको केक ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, घर में बनाइए, सबको खिलाइए। और कैसी लगी मेरी ये केक की रेसिपीज़ बताइएगा ज़रूर। और भी बहुत सी रेसिपी लेकर मैं आने वाली हूँ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।